हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रमन इफेक्ट के बारे में इसकी करेक्टरिस्टिक्स और इसकी क्लासिकल थ्योरी के बारे में देखिए रमन इफ़ेक्ट जो है वो डिस्कवर किया था सर सीवी रमन ने इन 1928, जिसके लिए 1930 में इन्हें नॉबल प्राइज़ भी दिया गया था इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे बेंजीन या टॉलिन से पास करवाते हैं तो उस ऑर्गेनिक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इंसिडेंट रेडिएशन को स्कैटर कर देते हैं सच दैट जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है उसकी फ्रीकुन्सी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीकुनसी से डिफरेंट आती है इसी इफेक्ट को कहा जाता है रमन इफ़ेक्ट तो आज हम डिस्कस करेंगे कि, कि किस तरीके से रमन इफेक्ट को क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है स्टार्ट so करते हैं देखिए क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट रेडिएशन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी होती है और इन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कहा जाता है फोटोन्स इट मीन्स लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी होती है सच दैट एक फोटोन की एनर्जी बराबर होती है एच न्यू के एच यहाँ पे है प्लैंग और न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन तो देखिए जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट करवाएंगे ऑर्गेनिक लिक्विड के मॉलिक्यूल पर इंसिडेंट करवाएंगे जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है बेंजीन और टोलिन हमने लिया है तो यहाँ पर कोई हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करवा रहे हैं तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पर फ़ोटोन्स इंसिडेंट करवा रहे हैं इस ऑर्गेनिक लिक्विड पर तो मान लीजिए एक फ़ोटोन हमने इंसिडेंट करवाया इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू नॉट है और इसकी अगर न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी है तो एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी एच न्यू नॉट इट मीन्स जो एच न्यू नॉट है ये एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की या इंसिडेंट रेडिएशन की तो यहाँ पे जैसे ये फ़ोटोन इस ऑर्गेनिक लिक्विड के मोलिक्यूल से इंट्रैक्ट करेगा तो हमें करस्पॉन्डिंग तीन केसेस मिलेंगे पहला केस तो ये हो सकता है कि फ़ोटोन जब मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में अगर इलास्टिक कॉलिजन होता है तो देखिए इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ये होता है ऐसा कॉलिजन जिसमें एनर्जी जो है वो सेम रहती है इट मीन्स बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कोलिजन एनर्जी सेम रहती है तो इसमें जब फोटोन मोलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो ना तो वो मोलिक्यूल को कुछ एनर्जी देगा ना वो मोलिक्यूल से कुछ एनर्जी लेगा यानी इनके बीच कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ से जो स्केटर्ड फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर होगी तो मान लेते हैं जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी है न्यू डैश तो यहाँ पे क्योंकि एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ स्केटर्ड फोटोन दैट इज एच न्यू डैश इज़ इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट इज़ एच न्यू नॉट एच से एच यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और न्यू डैश बराबर आ जाएगा न्यू नॉट के इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है स्केटर्ड फोटोन की वो इक्वल होती है इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी के यानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया तो जब ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें रेले लाइन मिलेगी ठीक है यानी जहाँ दो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्केटर्ड फोटोन इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यानी इस केस के अंदर स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी भी सेम रहेगी एनर्जी सेम है तो उसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी यानी जो भी फोटोन की एनर्जी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया और ना उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आया तो इस केस के अंदर हमें करस्पॉन्डिंग रेले लाइन मिलेगी अब सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि फ़ोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में इन इलास्टिक ऑलिजन हो देखिए इन इलास्टिक ऑलिजिन के अंदर एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो अब जे हम यहाँ पे फोटोन इंट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इनके बीच में इनलास्टिक ऑलिजन होगा तो फोटोन अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इस मोलिक्यूल को दे देगा तो यानी अब फोटोन की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी तो अब जो स्कैटर्ड फ़ोटोन हमें मिलेगा उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम होगी तो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रिक्वेंसी अगर न्यू डैश है तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एच न्यू डैश इज़ लेस देन एच यू नॉट क्योंकि फ़ोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी दे दी मॉलिक्यूल को तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो गई इट मीन स्कैटर्ड फ़ोटोन की एनर्जी डिक्रीज़ हो गई तो यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो आप कह सकते हो न्यू डैश इज़ लेस देन न्यू नोट इट मीन्स जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रिक्वेंसी से कम होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टॉक्स लाइन्स मिलेगी क्योंकि इंसिडेंट फोटोन ने अपनी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी जिससे उसकी एनर्जी कम हो गई यानी स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कम हो गई और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई तो इस केस के अंदर हमें मिलेंगी स्टॉक लाइन थर्ड केस ये हो सकता है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल और फोटोन के बीच अगेन इनलास्टिक कॉलिजन ही हो लेकिन मान लीजिए यहाँ पे भी एनर्जी का ही एक्सचेंज होगा लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो पहले से ही अपने एक्साइटेड स्टेट में है अगर मॉलिक्यूल अपने एक्साइटेड स्टेट में है तो उसका मतलब उसके उस पहले से ही एनर्जी है तो जब फोटोन इससे कोलाइड करेगा तो मोलिक्यूल अपनी कुछ एनर्जी इस इंसिडेंट फोटोन को दे देगा अब फोटोन को एनर्जी और मिल गई तो इसका मतलब फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड फोटोन मिलेगा उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होगी यानी आप कह सकते हो एच न्यू डैश इज ग्रेटर देन एच न्यू नॉट यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा और हम कह सकते हैं न्यू नॉ डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट यानी यहाँ पे जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इस केस के अंदर हमें एंटी स्टॉक्स लाइन्स मिलेंगी तो उनको स्टडी करते हैं आगे तो इसके लिए हम तीन डायग्राम कंसिडर करते हैं देखिए फर्स्ट केस के अंदर तो जब मॉलिक्यूल हमारा इंटरेक्ट करेगा इस फोटोन से जो हमने फोटोन इंसिडेंट किया है तो इन दोनों के बीच में इलास्टिक कॉलिजन होगा इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड फोटोन तो यहाँ पे जो फोटोन है ना तो मॉलिक्यूल को कुछ एनर्जी देगा ना मॉलिक्यूल से कुछ एनर्जी लेगा इट मींस इन दोनों के बीच में कोई भी एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी सेम रहेगी इंसिडेंट फोटोन की और स्केटर्ड फोटोन की तो हम कह सकते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी तो यहाँ पे हमें रेले लाइन मिलेगी अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं तो यहाँ पे जब फोटोन इंट्रेक्ट करेगा मॉलिक्यूल से तो फोटोन अपनी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे देगा इस वजह से जो फोटोन की एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी यानी हम कह सकते हैं स्केटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम होगी या आप कह सकते हो फ्रीकवेंसी स्केटर्ड फोटोन की इंसिडेंट फोटोन की फ्रीकुनसी से कम होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें स्टॉक्स लाइन मिलेगा थर्ड केस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इन इलास्टिक कॉलिजन ही होगा बिटवीन मोलिक्यूल एंड फ़ोटोन पर यहाँ पे मोलिक्यूल पहले से ही अपने एक्साइटेड स्टेट में है तो अगर वो अपने एक्साइटेड स्टेट में है तो वो अब अपनी एनर्जी कुछ फोटोन को दे देगा जिससे फ़ोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इट मीन्स जो स्केटर्ड फ़ोटोन की एनर्जी होगी वो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा होगी या हम कह सकते हैं कि जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एंटीस्टॉक्स लाइन मिलेगी तो इनको एक बार स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जब भी हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी न्यू न्यूनोट है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स सच दैट एक फोटोन की एनर्जी है एच न्यूनोट इंट्रैक्ट करवाते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड के मोलिक्यूल से ऑर्गेनिक लिक्विड हम बेंजीन टॉलिन ले सकते हैं तो हमें तीन केसेस देखने को मिलेंगे पहला केस तो ये है कि इंसिडेंट फोटोन और मॉलिक्यूल के बीच में इलास्टिक कॉलिजन हो इलास्टिक कॉलिजन है तो इसका मतलब इस केस के अंदर एनर्जी का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन फोटोन एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो स्केटर्ड फ़ोटोन है उसकी एनर्जी और जो इंसिडेंट फ़ोटोन है उसकी एनर्जी दोनों बराबर रहेंगी अगर एनर्जी बराबर है तो हम कह सकते हैं जो स्केटर्ड फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसीज बराबर रहेंगी तो फ्रीक्वेंसीज अगर बराबर है तो मतलब इस केस के अंदर हमें रेले लाइन मिलेगी तो जो ये रेले लाइन है इसी को ही अन लाइन भी कहा जाता है अन मतलब जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब जो रेले लाइन है इसे हम अनमोडिफाइड लाइन कह सकते हैं सेकेंड केस की बात करते हैं तो इस केस के अंदर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड मोलिक्यूल जिसकी वजह से फोटोन अपनी कुछ एनर्जी मोलिक्यूल को दे देगा या हम ये कह सकते हैं मोलिक मोलिक्यूल जो है वो फोटोन की कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा जिसकी वजह से अब फोटोन की जो एनर्जी है वो कम हो गए क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी तो यानी जो स्केटर्ड फोटोन होगा उसकी एनर्जी कम होगी देन द इंसिडेंट फोटोन तो अगर एनर्जी कम होगी तो हम ये कह सकते हैं स्केटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इस केस के अंदर न्यू डैश लेस देन होगा न्यू नोट तो यहाँ पर हमें स्टॉक्स लाइन अपीयर होगी अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं तो इस केस के अंदर इन इलास्टिक कॉलिजन होगा बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड मोलिक्यूल तो यहाँ पे भी इन इलास्टिक कॉलिजन ही है यानी यहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होगा पर यहाँ पे जो मोलिक्यूल है वो ऑलरेडी अपने एक्साइटेड स्टेट में है तो इट मीन्स उसके पास ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है तो जब फोटोन उससे इंट्रैक्ट करेगा तो फोटोन को अपनी कुछ एनर्जी इम्पार्ट कर देगा जिसकी वजह से अब फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी यानी जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट फोटोन यानी न्यू डैश इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट तो इस केस के अंदर हमें एंटी स्टॉक्स लाइन्स अपीयर होंगी तो अब हम इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन की बात करते हैं जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन रिलेटेड है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो देखिए हम कंसिडर करते हैं लेट ई पी बी द एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल बिफोर कोलिजन यानी बिफोर कोलिजन यानी कि जब मोलिक्यूल और फोटोन इंट्रैक्ट करते हैं उससे पहले जो मोलिक्यूल की एनर्जी है वो है ई पी और ई क्यू यहाँ पर एनर्जी है मोलिक्यूल की आफ्टर कोलिजन न्यू नोट यहाँ फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की और न्यू डैश यहाँ फ्रीक्वेंसी है स्केटर्ड फोटोन की तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन एनर्जी सेम रहती है इट मीन्स यहाँ पे जो एनर्जी होगी जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज़ समर्जी ऑफ द फोटोन एंड ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एनर्जी ऑफ़ द फोटो एंड मोलिक्यूल यहाँ पे बिफोर कोलिजन और यहाँ पे आफ्टर कोलिजन दोनों बराबर रहेंगी तो देखिए यहाँ पे बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बिफोर कोलिजन जो एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि वो तो एच न्यू नोट है और एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन वो ई पी है सिमिलरली जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की आफ्टर कोलिजन वो ई क्यू है और फोटोन की एनर्जी आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश है तो यहाँ से ई क्यू को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो ई पी माइनस ई क्यू इसवल्स टू एच न्यू डैश माइनस एच न्यू नोट यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी अब इस एच को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से न्यू नोट को जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें न्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी इट मीन्स न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू नॉट प्लस में ई पी माइनस ई क्यू अपॉन में एच तो यहाँ पे जो न्यू डैश है ये फ्रीक्वेंसी है स्कैटर्ड फोटोन की और न्यू नॉट जो है वो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की तो यहाँ पे हम तीन केसेस स्टडी करेंगे इस रिजल्ट को देखते हुए देखिए फर्स्ट केस तो ये है अगर ई पी इज इक्वल्स टू ई क्यू रहे ई पी ई क्यू का मतलब क्या है मोलिक्यूल की एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों सेम रहे अगर ये दोनों सेम रहती हैं तो इस रिजल्ट से हम ये वैल्यू हमें यहाँ पे ज़ीरो बन जाएगी जब ई e पी को ई e क्यू e के इक्वल रखेंगे तो इट मीन्स न्यू डैश जो है वो न्यू नोट के बराबर आ जाएगा न्यू नोट का इसका तब क्या होगा यहाँ से कि जो स्केटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाएगी तो यहाँ पे हम एक डायग्राम कंसिडर करेंगे जिसमें हम कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ हमने किए हैं मान लेते हैं कि मोलिक्यूल अर्लियर जो है वो इस वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर पे प्रेजेंट था यहाँ पे तो जैसे जैसे ही हमने बाहर से फोटोन को इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो मोलिक्यूल ने उस एनर्जी को जो फोटोन था उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट पे चला गया अब जो हायर लेवल है इसका जो लाइफ टाइम यहाँ पे रहता है मोलिक्यूल का वो रहता है टाइम वेस्ड टू पावर माइनस एट यानी इतने टाइम के लिए ऊपर रहने के बाद मोलिक्यूल नीचे आएगा अगर ये वापस आके वापस उसी लेवल में आ जाता है जहाँ से गया था तो यहाँ पे एक वो फ़ोटोन एमिट करेगा जिसे हम स्केटर्ड फोटोन कहेंगे और इस फोटोन की एनर्जी अब उसी के बराबर रहेगी इंसिडेंट जहाँ से हुआ था उसकी एनर्जी की यानी एच न्यू नोट इज इक्वल्स टू एच न्यू डैश और यहाँ से हमें मिल जाएगा न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू नॉट इट मीन्स फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन की और इंसिडेंट फोटोन की दोनों सेम है तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग हमें मिलेंगी रेले लाइन ठीक है अगर हम सेकेंड केस की बात करते हैं तो यहाँ पे ई पी इज लेस देन ई क्यू यानी एनर्जी जो है मोलिक्यूल की बिफोर कॉलिजन वो कम है किससे एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल आफ्टर कॉलिजन तो यहाँ पे अगर हम ई पी लेस देन ई क्यू है तो देखिए इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं ये टर्म हमें नेगेटिव मिलेगी यानी यहाँ पे जो न्यू डैश की वैल्यू आएगी वो कम मिलेगी क्योंकि इसमें कम हो रही है तो न्यू डैश जो यहाँ पे मिलेगा इट इज़ लेस देन न्यू नॉट तो इस केस के अंदर हमें स्टॉक्स लाइंस मिलेगी अगर हम इस डायग्राम से बात करते हैं यहाँ पे देख के तो देखिए मान लीजिए इनिशियली हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे है हमने बाहर से फोटोन इस पर इंसिडेंट किया तो इस मॉलिक्यूल ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया एब्जॉर्ब करके ये हायर स्टेट में चला गया अब हायर स्टेट का जो लाइफ टाइम है मोलिक्यूल का वहाँ पर वो होता है टेन डेज रुपा और माइनस एट सेकेंड्स तो इतने टाइम के लिए तो वहाँ रहेगा फिर जब वो नीचे आता है तो वापस आते हुए अगर वो इस लेवल पे ना आके इससे ऊपर वाले लेवल के ऊपर आता है मतलब ये इस वाले क्वांटम नंबर के करस्पोंडिंग जो लेवल है इस पर नहीं आता इससे ऊपर वाले लेवल पर अगर आता है तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी अब इसकी वो कम हो जाएगी स्कैटर्ड फ़ोटोन की आप कह सकते हो स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी यानी न्यू डैश इज लेस देन न्यू नोट स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो इस केस के अंदर हमें स्टॉक्स लाइंस मिलेंगी तो अगर हम थर्ड केस की बात करते हैं तो देखिए थर्ड केस के अंदर क्या हो सकता है अगर ई पी ग्रेटर देन ई क्यू है यानी मॉलिक्यूल की एनर्जी बिफोर कोलिजन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल की एनर्जी आफ्टर कोलिजन तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज रिलेशन में पुट करेंगे तो हमें प्लस पॉजिटिव क्वान्टिटी मिलेगी यानी इस केस के अंदर जो न्यू डैश आएगा वो न्यू नोट से ज़्यादा आएगा और अगर न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू नोट हमें मिलता है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एंटी स्टॉक्स लाइन मिलती है तो यहाँ हम इस डायग्राम में देखते हैं देखिए अगेन यहाँ पे मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे अब हमने एक फ़ोटोन को इसके ऊपर इंसिडेंट किया तो फोटोन की जो एनर्जी है इस मॉलिक्यूल ने उसको ऑब्जर्व अबसर, इसको एब्जॉर्ब किया एब्जॉर्ब करके ये हाई स्टेट में चला गया वहाँ पे टेन टू पावर माइनस एट सेकेंड्स के लिए रुकता है इसके बाद जब वो वापस आता है तो ये वापस आते हुए अगर उस लेवल पे ना आके जिससे गया था उस पे ना आके उससे नीचे वाले लेवल पे आता है और एक फ़ोटोन को एमिट करता है तो यहाँ पे जो स्केटर्ड फ़ोटोन होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं स्केटर्ड फ़ोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ़ इंसिडेंट फोटोन तो इस केस के अंदर हमें एंटी स्टॉक्स लाइंस अपीयर होंगी तो अब देखिए अब हम देखते हैं कि रमन इफ़ेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी लेवल्स हमने स्टडी किए हैं तो इसमें कौन कौन से सिलेक्शन रूल फॉलो होंगे तो देखिए हर मॉलिक्यूल के पास अपने कुछ रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं तो अब उन्हीं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को स्टडी करके हम सिलेक्शन रूल को देखेंगे किस तरीके से अप्लाई होते हैं तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है उसमें कहा गया है कि कोई भी अगर हम रमन एक्टिव मोलिक्यूल कंसिडर करते हैं देखिए रमन एक्टिव मोलिक्यूल का मतलब है जो रमन इफेक्ट को शो करता है तो इन एनर्जी लेवल्स के बीच में जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स हम कंसिडर करेंगे जो अलाउड लेवल्स हैं इनमें उन्हीं के बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल होगी उन्हीं लेवल्स के बीच में जहाँ पे जो चेंज होगा रोटेशनल क्वांटम नंबर में दैट इज जे, जे में जो चेंज होगा डेल्टा जे जो होगा वो प्लस माइनस टू होगा इन्हीं लेवल्स के बीच में फिर ट्रांजिशन पॉसिबल होगी तो देखिए हमने यहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर कंसिडर किए हैं जे इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री फोर तो यहाँ देखिए क्योंकि इसका सिलेक्शन रूल ये है तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वो लोअर स्टेट यहाँ पे है टू पे तो देखिए अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो वो बाहर से फोटोन को एब्सॉर्व करेगा एब्सॉर्व करके हायर स्टेट में जाएगा तो वो अगर टू से थ्री जाएगा तो यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस वन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिलेक्शन रूल ही अलाउ नहीं करता है तो वो टू से फोर पे जा सकता है क्योंकि जब वो टू से फोर जाएगा तो डेल्टा जे की वैल्यू मिलेगी माइनस टू वो अकॉर्डिंग है सिलेक्शन रूल के सिमिलरली वन से टू पे नहीं जा सकता वन से थ्री पे जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अगेन डेल्टा जे की वैल्यू हमें माइनस टू मिलेगी और इसी तरह जीरो से टू पे जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भी सिलेक्शन रूल ओबे होता है सिमिलरली जब वो ऊपर से नीचे आएगा हाइय स्टेट से लोअर स्टेट पे आएगा तब वो एक फोटोन का एमिट करेगा तो यहाँ से देखिए फोर से थ्री पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जे वन बन जाएगा पर वो फोर से टू पे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जे हमें फिर प्लस टू मिल जाएगा सिमिलरली थ्री से वन पे आ सकता है और टू से ज़ीरो पे आ सकता है तो इस तरीके से इनकी ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन्स बनेंगी यहाँ पे थ्री लाइन्स इसकी बनेंगी थ्री लाइन्स इसकी बनेगी तो इन लाइन्स को तो बोला जाएगा स्टॉक लाइन्स और इन लाइंस को बोला जाएगा एंटी स्टॉक्स लाइंस और ये जो सेंटर में जो लाइन है इस लाइन को बोला जाएगा जो सेम फ्रीक्वेंसी की है इसे बोला जाएगा रेले लाइन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रोटेशनल एल लेवल्स हैं इनके बीच में जो स्पेसिंग है जो सेपरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है तो हमने रोटेशनल एल लेवल्स में स्टडी किया था कि ये इक्वली स्पेस्ड नहीं होते हैं तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं जो रोटेशनल एनर्जी होगी डायटोमिक मोलिक्यूल की तो वो हमारी कितनी आई थी जब हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल स्टडी किए थे वही वैल्यू थी ई जे इज इक्वल्स टू जे इन टू जे प्लस वन एच कट का स्क्वायर अपॉन में टू आई तो अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे चेंज इज एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी जब मॉलिक्यूल ट्रांजिशन करेगा एक रोटेशन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन रूल तो उसकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा उस चेंज को हम कैलकुलेट करेंगे यानी चेंज इन द एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल तो देखिए इसके लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स हमने कंसिडर करें आप कह सकते हो दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एक जे एक जे प्लस टू रोटेशनल क्वांटम नंबर का देखिए हमने जे और जे प्लस टू क्यों कंसिडर किया क्योंकि यहाँ जो सिलेक्शन रूल है वो फॉलो होना चाहिए अगर आप जे और जे प्लस वन लेते यहाँ पे तो वहाँ पे डेल्टा जे वन बन जाता और वो सिलेक्शन रूल को अभी नहीं करता तो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया ये एनर्जी है रोटेशनल जो आप डायटोमिक मोलिक्यूल ले रहे हो उसकी रोटेशनल लेवल के करस्पॉन्डिंग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो अब यहाँ पे जो चेंज होगा इन द एनर्जी ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल वेन इट मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम रोटेशनल एनर्जी लेवल जे प्लस टू टू जे यानी जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो डेली इज इक्वल टू इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा दैट इज ई जे प्लस टू माइनस ई जे अब ई जे की वैल्यू हमें मालूम है ये रही ये एनर्जी है डायटोमिक तो मोलिक्यूल की तो यहाँ से हम ई जे प्लस टू की वैल्यू निकाल लेंगे जे को जे प्लस टू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ ई जे की वैल्यू मिल जाएगी सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे एच स्क्वायर एच कट का स्क्वायर अपॉइट टू आई हमने कॉमन ले लिया ये टर्म अंदर रह जाएगी जे स्क्वायर से जे स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेली की वैल्यू यहाँ पे आएगी एच कट का स्क्वायर अपॉन में टू आई फोर जे प्लस सिक्स यहाँ से टू कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी तो डेली की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एच कट का स्क्वायर अपॉन में फोर पाई स्क्वायर आई इंटू टू जे प्लस थ्री ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मोलिक्यूल आई जो है यहाँ पे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायटोमिक मोलिक्यूल तो देखिए इस केस के अंदर हमने बात करी थी जब मॉलिक्यूल जे प्लस टू आ, स्टेट से जे स्टेट में आ रहा था यानी कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा था तो यहाँ पे फोटोन एमिट हो रहा बाहर तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा चेंज में लेकिन जब मॉलिक्यूल हमारा लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा इट मीन्स जे से जे प्लस टू हमारा जब जाएगा तो यहाँ पे वो एक फ़ोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो माइनस साइन का आएगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है यानी कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन एंड स्कैटर्ड फोटोन वो प्लस माइनस वैल्यू आएगी प्लस कंसिडर करेंगे जब वो हायर से लोअर में आ रहा है और माइनस कंसिडर करेंगे जब वो लोअर से हायर स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे ई e नोट की वैल्यू क्या बन जाएगी एच न्यू नोट क्योंकि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट और इसकी वैल्यू आ जाएगी ई डैश की एच न्यू डैश क्योंकि स्केटर्ड फोटोन की जो स्केटर्ड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है एच न्यू डैश ये रिजल्ट हमारा एज़ इट इज़ तो यहाँ से हम साइड में एच कॉमन ले लेंगे तो जैसे हम एच कॉमन लेते हैं ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे ये आ जाएगा यहाँ से एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा न्यू नोट माइनस न्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी तो ये न्यू नोट माइनस न्यू डैश जो है ये डेल्टा न्यू होता है जिससे हम रमन शिफ्ट बोलते हैं यानी ये डिफ्रेंस होता है फ्रीकवेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड विद द फ्रीकवेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन तो यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू ये मिल जाएगी अब यहाँ हम देख सकते हैं अगर हम एंटी स्टॉक्स लाइन की बात करते हैं तो एंटी स्टॉक्स लाइन के अंदर जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे इसको तो इस केस के अंदर डेल्टा न्यू की जो वैल्यू आएगी क्योंकि न्यू डैश ज़्यादा है तो डेल्टा न्यू की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये वैल्यू रमन शिफ्ट की हमें मिल जाएगी वहीं अगर हम स्टॉक्स लाइन की बात करेंगे तो वहाँ पे न्यू डैश लेस देन न्यू नॉट होता है तो यहाँ पे डेल्टा न्यू की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इस तरीके से हम चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए इन दोनों केसेस में एंटी स्टॉक्स में और स्टॉक्स लाइन में मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट आ रहा है तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया चेंज इन एनर्जी ऑफ ए डाएटॉमिक मोलिक्यूल सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट थैंक यू